ओके, गुड आफ्टरनून क्लास. आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स और उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग यूजिंग स्ट्रिंग. ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग और पॉइंटर में क्या रिलेशनशिप है. एक बार रिवाइज कराता हूँ, स्ट्रिंग क्या होगा और हम पॉइंटर कैसे यूज करेंगे. ठीक है, जैसे आप लोग नोट्स में आप देखो, पहले मैंने क्या कैरेक्टर पॉइंटर लिया, मैं आपको एक्सप्लेन किया था. क्लास टेल मी व्हाट इज साइज ऑफ पीटीआर. One byte, two bytes, because it stores the address of character. The size of the address will be always of 2 bytes. So it doesn't matter कि उसके अंदर क्या type का data है. So ये matter करता है कि address की size कितनी है. The address की size always be of 2 bytes. So character की size होगी बेटा, character की size 1 byte है. But character के address की size is 2 bytes. Float की size 4 bytes. But the size of the address of the float is 2 bytes. अगर डबल की साइज 8 bytes, बट डबल के अंदर जो डबल का जो एड्रेस होगा वो कितने साइज का होगा? 2 bytes. क्लियर है क्लास? सो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना, एड्रेस मुझे पुट करना है. तो यहाँ पे हियर पीटीआर इज अ पॉइंटर विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी कैरेक्टर वैल्यू. और यहाँ पे देखो, मैंने पीटीआर रिक्वेस्ट लिया और यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट किया. स्ट्रिंग में डबल कोट्स में लिखा अमित. व्हाट डज इट मीन? आप किसी स्ट्रिंग को सिंपल इक्वेट करते हो किसी पॉइंटर के साथ. यहाँ पे इसका मतलब क्या बेटा? यहाँ पे देखो, पीटीआर पॉइंटर इक्वल्स टू एनी स्ट्रिंग. Pointer equals to any string. It means the first base address of this string will be pointed by the PTR. अब यहाँ पे ध्यान दो सर, हमें तो कोई एरे यूज नहीं किया, बिकॉज हमें डायरेक्टली हमने यहाँ पे हमें एरे डायरेक्टली हमें स्ट्रिंग ले रहे हैं. तो एक टेम्प्रेरी वेरिएबल क्रिएट करेगा हमारा कंपाइलर. तो ये मुझे नाम नहीं पता, बिकॉज वो हेक्साडेसिमल कुछ नेम होगा जनरेटेड बाय द कंपाइलर. आई डोंट नो. सो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा टेम्प्रेरी वेरिएबल यस T0, T1, T2, 3T एंड T4 टेम्प्रेरी. तो फर्स्ट ए विल बी असाइंड इट लोकेशन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. लास्ट में क्या होगा यहाँ पे? नल. द बेस एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रिंग, दिस इज 200, विल बी पॉइंटेड बाय दिस स्ट्रिंग, दिस पॉइंटर. क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, आप थोड़ा समझना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटर के प्रॉब्लम यूजिंग स्ट्रिंग के प्रॉब्लम यूजिंग पॉइंटर. मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ. सपोज यहाँ पे लिया मैंने, मैंने कैरेक्टर लिया सपोज नेम, और यहाँ ले लिया सपोज 20. याद है क्लास इसका मतलब क्या होगा? याद है क्लास क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? मैंने इन्हें स्लाइस कर दिया. याद है मैंने आपको एक दो टाइप से इन्हें स्लाइस में समझाया था. स्ट्रिंग है कैरेक्टर वाइज इन्हें स्लाइस, सेकंड आपका स्ट्रिंग वाइज. तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स जहाँ पर मतलब क्या होगा वो स्ट्रिंग. तो इसका मतलब ये होगा देयर विल बी अ एरे ऑफ 20 bytes, 20 साइज का बाइट होगा. समझ रहे हो ना? ये पहला होगा आपका नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटे? 90. कहाँ तक जाएगा ये? पूरा नेम 19 तक जाएगा. लास्ट में नाम क्या रहेगा बेटा इसका? ये आपका नेम 0, सपोज मैं इसको एन ले रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए एन 0, नेम 0, ये हो जाएगा आपका नेम 1, ये क्या आपका नेम 2, ये कहाँ तक जाएगा बेटा? पूरा का पूरा ये लास्ट में आपका 19 यहाँ तक हो जाएगा आपका. यहाँ पर हो जाएगा आपका दिस लास्ट विल बी नेम ऑफ, एक सेकेंड, नेम ऑफ 19. एक सेकेंड, name of 19, last वाला. Clear class? यहाँ पे जो होगा first character, this is, that is क्या बेटा नाम क्या है? First character आपका A will be pointed to first location. Suppose इसका location आपका 100, next location क्या होगा? 101, because नहीं बेटा 1 होगा. इसको बंद करो, light off, इसको बंद करो. ये हो जाएगा आपका 102. बेटा ध्यान रखो 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, next हो जाएगा आपका 103 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे सेकंड में आएगा आपका M, ये हो जाएगा आपका I, यहाँ पे हो जाएगा आपका T, और लास्ट में क्या बेटा आपके यहाँ पे? नल करेक्टर. और यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे क्या रहेगा? क्या रहेगा? नल करेक्टर. यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा आपका? नल करेक्टर. अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ. जैसे लिखा मैंने, ऑब्वियसली ये मुझे यहाँ पे ये, व्हाट इज A? A इज अ करेक्टर. व्हाट इज A बेटा? A इज अ करेक्टर. टू होल्ड द करेक्टर एड्रेस आई नीड अ पॉइंटर ऑफ टाइप ऑफ करेक्टर. मुझे किस टाइप का पॉइंटर चाहिए? कैरेक्टर टाइप का. सो दैट ये कैरेक्टर का एड्रेस रखे, तो मैं कहूंगा कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर. वैल्यू आप वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो ना, पॉइंटर चले पीटीआर यूज करते. यहाँ पर एक पॉइंटर बना लिया.
नाउ अगर मैं बात करता हूं पीटीआर इक्वल्स टू सॉरी एड्रेस ऑफ नेम ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे द फर्स्ट एड्रेस नेम ऑफ जीरो का एड्रेस क्या बेटा आपका 100, 100 विल पॉइंटेड बाय दिस पीटीआर. समझ आ रहा है क्लास? तो यहाँ पे मुझे अब ये भी ध्यान दो, मैंने यहाँ पे सिंपल से एक ये तरीका यूज कर लिया, या फिर आप डायरेक्टली काम कर सकते हो दोनों चीजों को. आप देखो यहाँ नहीं, इस लाइन को आप जाओ जाओ तो मर्ज कर सकते हो, ये दो लाइन लिखा आपने, इस दोनों को मर्ज कर सकते हो. कैसे? आप इसी लिख सकते हो कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर इक्वल्स टू, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली अमित. नाउ द फर्स्ट कैरेक्टर विल पॉइंटेड बाय दिस पीटीआर, तो पहला एड्रेस होगा किसका बेटा? ए का. कहां पे आ जाएगा वो? पीटीआर के पास. तो दोनों लाइन को आप चाहो तो ऐसे मर्ज कर सकते हो. मैंने पहले क्या किया बेटा यहाँ पे, पहले सिंपल मैंने एक एरे बनाया 20 का और वहां पे मैंने स्ट्रिंग पास किया, पहला तरीका. या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली पॉइंटर बनाओ वहां पे स्ट्रिंग पास कर दो. समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? किसी को डाउट है? आगे बढ़े फिर. सो हमने यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे नोट्स में वही लिखा है, ये सिंपल वही लिखा है. आप चाहो तो लिखो सिंपल नेम भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली. द बेस एड्रेस विल बी पॉइंटेड बाय, मैंने बताया था पॉइंटर इक्वल्स टू एरे का नेम, पॉइंटर इक्वल्स टू एरे का नेम, पॉइंटर इक्वल्स टू स्ट्रिंग का नेम. बिकॉज स्ट्रिंग मतलब क्या बेटा? कैरेक्टर एरे ही ना. स्ट्रिंग मीन्स वॉट? कैरेक्टर एरे. तो अगर किसी पॉइंटर के सामने इक्वेट करते हो एरे का नाम, तो एरे का एड्रेस कहाँ चले जाएगा? पीटीआर के पास. क्लियर? याद रहेगा सबको? अभी काम करते हैं, अभी उसका कोडिंग नहीं देखते हैं. सिंपल मुझे आप लोग हेल्प करना. क्या हेल्प करोगे? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर. आ रहे समझ? द फर्स्ट हम प्रोग्राम देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर. आप मुझे सिंपल ये बताओ, मैंने सपोज यही ले लिया, अमित ले लिया, और मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे, बेस एड्रेस कहाँ पर डाल दिया? पीटीआर के पास. तो अगर सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, एक सेकंड, वेरिएबल मेरे पास पीटीआर, सपोज पीटीआर का लोकेशन है 200, सपोज क्या बेटा यहाँ पे 200, ये मेरा लोकेशन आपका वेरिएबल है पीटीआर. पीटीआर तो पीटीआर क्या पॉइंट करेगा? एड्रेस ऑफ ए. यहाँ पे क्या बेटा यहाँ पे 100. नाउ दिस विल पॉइंट टू दिस 100. क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे लूप चलाना, लूप कब तक चलेगा? जब तक इनल ना हो जाए. तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि फोर हमेशा आप फोर कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग डालोगे कि फाइव कैरेक्टर स्ट्रिंग डालोगे, पता है क्या पहले से? नहीं. तो मुझे ये आपको लूप चलाना पड़ेगा वाइल्ड, जब तक कि आपको नल ना आ जाए. आ रहा है ना? तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे वाइल्ड, इसको ले सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पीटीआर डज नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर. आ रहे समझ? बिकॉज वैल्यू ऑफ पीटीआर व्हाट बेटा? एड्रेस ऑफ ए. और एड्रेस ऑफ, यहाँ पे एड्रेस रखा है, इसका वैल्यू ऑफ पीटीआर क्या होगा? ये 100 क्या आपका लोकेशन है, एड्रेस है, उसकी वैल्यू कितनी है? ए. तो ए डज नॉट इक्वल्स टू पीटीआर नल, सॉरी नल. तो आपको लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू है. आप एक वेरिएबल ले लो काउंट प्लस प्लस, काउंट को प्रिंट करो, सिंपल. गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये बताओ मुझे, यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन विच यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. है ना? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको फाइंड करना यूजिंग पॉइंटर. आपको इनपुट क्या चाहिए इसमें? इनपुट क्या चाहिए? एक स्ट्रिंग चाहिए ना आपको. चलो आप मुझे बताना, यहाँ पे आप F5 से इसको लार्ज कर लो. आपको लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर. एक सेकेंड, यूजिंग पॉइंटर. इसके बाद आपका हैश इंक्लूड कोन्यू डॉट एच. अच्छा यहाँ पे लिखा है कि आप स्पेसिफाई करेगा यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन विदाउट लाइब्रेरी. हम चाहें तो नहीं करना अभी, बिकॉज अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया तो यू कैन मेक एनी कोड. है ना? तो आप बस कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी सब बन जाएगा. ये हो जाएगा आपका हैश इंक्लूड stdio.h. ओके, अभी मैंने आपको समझाया था बेटा, आप जब भी पहले प्रोग्राम बनाते हो दो चीज़ आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज योर इनपुट एंड व्हाट इज योर आउटपुट. प्लस इनपुट क्या है बेटा आप लोग का?
एन स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग चाहिए एंड आउटपुट आपका क्या रहेगा, उसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, एल ई एन जी टी एच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सिंपल. यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, वॉइड मेन, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वॉइड मेन, वॉइड कौन सी कैटेगरी बेटा, कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी वन है ना, रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट. हाँ बेटा, नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स, कैटेगरी वन है ना, आपको ऑलरेडी देखा सबने. सो हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग के लिए क्या चाहिए आपको, कैरेक्टर एक अरे चाहिए ना, आपने सब कुछ ले लिया, 30 ले लो चलेगा, देखते आगे मुझे जरूरत पड़ेगी, हम देखते हैं आगे क्या यूज करना पड़ेगा. आगे क्या लिखे बेटे हम लोग, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या लिखे, प्लेस एंटर एनी स्ट्रिंग, आप इसको लेंथ टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी है ना. आगे क्या करें हम लोग, स्कैनअप करें, अब स्कैनअप भी कर सकते हो, बट स्कैनअप पर प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, स्पेस के बाद जैसे लिखा अमित सिंह लिखा तो अमित बस काउंट करेगा, इस सिंह को डिस्कार्ड कर देता है स्कैनअप में, तो उसका सॉल्यूशन में दिया था याद है क्या, और गेट एस किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड है, नो नो एस टी डी आयो यहाँ पे डिफाइंड है ना, आप लोग ये क्या है, कंट्रोल सपोर्ट नहीं कर रहा है, एप टू में आ रहा है क्या, नो नो ठीक है देखते हैं, आप देख मैं बता दूंगा उसको, इधर सर्च करना पड़ेगा हेल्प में जाकर, तो ये हो जाएगा एस टी डी आयो के अंदर, एस टी डी आयो के अंदर हेडर फाइल, मैंने इनपुट ले लिया. अब आपको यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना, मुझे क्या चाहिए बड़े, एक पॉइंटर भी लगेगा, पॉइंटर किस टाइप पर रखना, मुझे कैरेक्टर टाइप पर यूज करोगे, बिकॉज मुझे किसका एड्रेस में स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर का, तो मुझे कैरेक्टर टाइप पॉइंटर चाहिए, क्लियर है क्लास, इंटीजर पॉइंटर क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज हम यहाँ पे इंटीजर यूज नहीं कर रहे, ठीक है दर्शना. आगे क्या बेटा हम लोग, पी टी आर इक्वल्स क्या करें, आगे क्या करें हम लोग, पहला एड्रेस डाल दो, क्या लिखे, एड्रेस ऑफ नेम ऑफ जीरो द फर्स्ट एड्रेस, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, पी टी आर इक्वल्स क्या लिख सकते हो आप लोग, सिंपल नेम लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, जैसे लिख सकते पी टी आर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नेम, ये तीन तरीके मैंने बताया था आपको कल, रिमेंबर और नॉट, ये तीन तरीके सब, अगर बेस एड्रेस आपको पुट करना तो ये यूज करोगे, क्लियर. आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो, पी टी आर विल बी असाइंड असाइंड द बेस एड्रेस, समझ रहे हो ना, बेस एड्रेस आप लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है ऐसा आप कमेंट डाल सकते हो, दैट्स इट. यहाँ पे मुझे लूप चलाना, तो मुझे पीटीआर के पास मैंने क्या किया, बेस एड्रेस मैंने पहले डाल दिया. अब एक काम करते हैं, वाइल वैल्यू ऑफ पीटीआर, बिकॉज पीटीआर के पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई ना उसकी, क्या लिखा बेटा यहाँ पे, डज नॉट इक्वल्स टू नल, आगे और क्या लगेगा आपको, आपको एक काउंट लगेगा ना, ऊपर आप एक वेरिएबल ले लो, आपको पता है मैं अगर यहां पर भी ले तो चलेगा, चलेगा छोड़ो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बाद में बताऊंगा क्या, क्या लो, क्या ले लो आप, काउंट इक्वल्स टू जीरो, ये काउंट हो गया बेटा यहाँ पे. अब प्रिंट आगे देखिए क्या, प्रिंट एफ आगे क्या करें बताओ, स्लैश एन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंट डी कॉमा काउंट, और यहाँ पर जाएगा आपका गेट सी एच. फाइल को एक बार फिर से सेव करो, क्या था बेटा लेंथ नहीं थी, एल एन जी टी एच लेंथ डॉट सी, ऑल्ट एफ, कंपाइल योर कोड, नो एरर, रन योर कोड, अमित गुड गुड, हैंग हो गया, इनफाइनाइट लूप में चले गया, पता क्यों, इनफाइनाइट लूप में चले गया, हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराया नहीं, समझ आया क्या, गुड. इट इंडिकेट्स कि मैं यहाँ पे ना समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग को रटना नहीं है, समझ रहे हो क्या दिक्कत आ रही है, कंट्रोल पॉज ब्रेक कर सकते हो उसमें, लेकिन आजकल ये, हाँ एक सेकंड, फाइल नेम क्या था बेटा मेरा, ओके ओके सेव हो गया, ठीक है
अच्छा क्लास देखो, मैं यहाँ पे गड़बड़ किया था, क्या हुआ था यहाँ पे, मैंने काउंट तो बढ़ा दिया, बस मुझे पॉइंटर भी तो बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट इंक्रीमेंट करने के लिए, यू रिमेंबर और नॉट? इसे इनफिनिट में चले गया था। अभी मैं करता हूँ अमित, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4, तो ये आपको आना चाहिए। मैं एक बार समझा दूँ एक बार कि आ गया, किसी को डाउट है ऑनलाइन क्लास, किसी को डाउट है कि समझा दूँ? समझाना है? नो सर। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। हो क्या रहे, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने एक पॉइंटर लिया यहाँ तक, अगर 30 लिया तो कहाँ तक जाएगा नेम? 29 तक जाएगा। अरे बेटा 31 कैसे आएगा? यस सर 29। ठीक है, ये आपका लोकेशन आपका आ जाएगा 104 तक लेता हूँ, चलेगा? अमित लेता हूँ, फेमस एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने किया, एक पीटीआर, पीटीआर किस टाइप का पॉइंटर है? कैरेक्टर। द साइज ऑफ पीटीआर इज 2 बाइट्स बिकॉज इट कीप्स द एड्रेस ऑफ एनी कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पे मैंने काम किया बेटा, यहाँ पे एक मैंने पीटीआर ले लिया, पीटीआर इसका खुद का लोकेशन है सपोज 200, और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी एम्प्टी है ना, ठीक है, पॉइंट नहीं किया। एक आपका यहाँ पे क्या बेटा, अभी काउंट, क्या हुआ यहाँ पे काउंट, और काउंट का लोकेशन है सपोज 300। अच्छा क्लास, यहाँ पे देखो हमने पॉइंटर ओपन किया, अभी इसमें गार्बेज वैल्यू होगी कहीं ना कहीं। सपोज वो गार्बेज वैल्यू आपके पिन कोड का एड्रेस हुआ, तो आ रहे समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे जो पीटीआर होगा, पीटीआर के पास वो गार्बेज वैल्यू, बिकॉज मैंने पिन स्लाइस नहीं किया अभी तक। इस लाइन पे देखो, किया क्या मैंने स्लाइस? अगर इस लाइन पे पिन स्लाइस नहीं किया, हो सकता है किसके पास कोई गार्बेज वैल्यू हो, या इसके पास कुछ ऐसा एड्रेस हो जो किसी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव फाइल का एड्रेस हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एक सॉल्यूशन आपके पास ये है कि इसको हम बोलते हैं बेटा डैंगलिंग पॉइंटर। छोड़ो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फाइल मेरी कहाँ गई है, इसको आप अवॉइड करने के लिए क्या करो बताया क्या? जब पॉइंटर ओपन करते हैं, यहाँ पे लिख दो नल, क्या लिख देंगे हम लोग? नल, सो दैट ये अभी किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अब इसे अब इसको आप अपने पॉइंटर को सेव कर सकते हो, अपने डेटा को सेव कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने नल इसलिए लिखा सो दैट कि किसी को पॉइंट ना करे। तो यहाँ पे अभी नल लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा अभी? अभी किसी को पॉइंट करेगा क्या? नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट इज काउंटर की वैल्यू कितनी होगी आपका? 0। नेक्स्ट है प्लीज एंटर स्ट्रिंग, मैंने अमित डाल दिया, ठीक है, नेम में आ गया, ठीक है। इस लाइन को देखो बेटा, एड्रेस ऑफ नेम ऑफ 0, व्हाट इज एड्रेस ऑफ नेम ऑफ 0? विल बी पॉइंटेड बाय पीटीआर। तो पीटीआर के पास कौन सा एड्रेस, ये हट जाएगा नल अभी, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा, क्या आएगा? 100 आएगा ना, ये कैसे आएगा? एड्रेस आएगा। अभी एड्रेस आ गया तो किसको पॉइंट करेगा ये? इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, है ना, ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे वाइल वैल्यू ऑफ पीटीआर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पीटीआर बेटा? 100। 100 अभी वैल्यू ना, बट वैल्यू नहीं, क्या वो एड्रेस है। उस एड्रेस की वैल्यू कितना है आपका? ए डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। अंदर आ जाओ काउंट प्लस प्लस, नाउ काउंट बिकम्स 1, काउंट आपका हो गया 1। पीटीआर प्लस प्लस, याद इससे पहले हम इसको स्किप छोड़ दोगे से भूल गए थे, अगर स्किप नहीं करते, देखो अगर मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो इसका लोके हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी? 100, इनफिनाइट लूप में चलते रहेगा। तो नेक्स्ट मैंने इंक्रीमेंट किया, तो नेक्स्ट एड्रेस, याद है हमने कल एड्रेस 2 बार जंप हो रहा था, नेक्स्ट एड्रेस पे याद है 2, जब मैंने इंटीजर यूज किया था बेटा, बिकॉज कंपाइलर को पता है पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है? कैरेक्टर का, सो इट विल जंप फॉर द नेक्स्ट एड्रेस, 1 बाइट एड्रेस जंप करेगा। अगर किसी पॉइंटर के पास इंटीजर का एड्रेस है कितना जंप करेगा? 2 बाइट्स। किसी पॉइंटर के पास फ्लोट का एड्रेस है कितना जंप करेगा? 4 बाइट्स। अगर किसी पॉइंटर के पास डबल का एड्रेस है कितना जंप करेगा? 8 बाइट्स, बिकॉज उसको पहले से पता है। सो नेक्स्ट एड्रेस जंप कितना होगा? 101, बिकॉज वो कैरेक्टर का एड्रेस रखा हुआ है। क्लियर है सबको? नाउ दिस विल पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन, कुछ लोकेशन को पॉइंट करेगा बेटा ये 101, इसको पॉइंट करेगा बिकॉज ये पॉइंटर है। नेक्स्ट होगा वैल्यू ऑफ पीटीआर डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो वैल्यू ऑफ पीटीआर बेटा व्हाट? 101, उसकी वैल्यू कितना है आपका? एम डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो काउंट प्लस प्लस, तो काउंट कितना हो गया आपका इस बार? आपका 2। पीटीआर प्लस प्लस, नेक्स्ट एड्रेस 102, नाउ इट विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, गेटिंग माय पॉइंट? PTR does not equals null, PTR की वैल्यू आप 102, इसकी वैल्यू आपका I, does not equals null, कंडीशन ट्रू है।
अंदर आ जाओ, काउंट प्लस प्लस, काउंट कितना बेटा आपके इस बार, थ्री. पीटीआर प्लस प्लस, नेक्स्ट एड्रेस कितना हो गया आपका, 103. अब किसको पॉइंट करेगा ये, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, आ रहे समझ? Yes, sir. उसके फिर जगह वैल्यू ऑफ पीटीआर, वैल्यू ऑफ पीटीआर कितना बेटा, 103 की वैल्यू कितना आपका, टी डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज ट्रू. अंदर आ जाओ, काउंट प्लस प्लस, नो काउंट कितना हो गया आपका, फोर. पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर कितना हो गया इस बार, 104. किसको पॉइंट करेगा, इस 104 लोकेशन को, मतलब किसको पॉइंट करेगा अभी, नल को. वैल्यू ऑफ पीटीआर डज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स, बिकॉज नल है यहाँ पे, तो मैंने किसको प्रिंट करा लिया, काउंट. तो वैल्यू ऑफ, आ रहा है समझ क्या, क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं आपसे एक प्रॉब्लम पूछूं, अभी एक बार ध्यान देते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं. रन कराओ, मैंने लिखा सपोज अमित सिंह, कितना आएगा बेटा, लेंथ कितना आएगा, 10 आएगा. हाँ, स्पेस काउंट हो रहा है ना. अगर स्पेस काउंट नहीं करना है तो क्या करेंगे, लॉजिक क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा. मुझे स्पेस काउंट नहीं करना है, जैसे इमेजिन को, चलो एक आते बड़ा लिख देते हैं, बी आई टी सी दुर्ग हो जाएगा, 3, 3, 6, 6 और 4, 10 और 2, 12. तो मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग का लेंथ 12 आ रहा है, बट मुझे आपको कैसे क्वेश्चन आ गया कि आपको स्पेस को काउंट नहीं करना है, बन जाएगा सबसे. यस सर. हाँ बेटा बताओ कैसे बनेगा, बताओ सोचो. मैम सर सॉरी. हाँ बोलो बोलो. स्पेस का स्काई वैल्यू 32 है, तो उसको मतलब हम लोग स्किप कर देंगे. हाँ कैसे स्किप करेंगे, ये बदमाश कैन अप कैसे. वेरी गुड, सो सवास क्या करेंगे हम लोग बेटा, कंटिन्यू बताया था आप लोग, याद है क्या, आप स्पेस से मैच करो, अगर स्पेस है तो क्या कर दो, कंटिन्यू. गुड बेटा सवास, तो आप क्या करो, क्या करते बताओ, इफ क्या लिखे आगे, वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल रिसोर्स और क्या आ गया, स्पेस आ गया, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, कंटिन्यू बस और कुछ. वेरी गुड वेरी गुड. पीटीआर को क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना मुझे, और काउंट नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज काउंट नहीं बनाना है. आ रहा समझ के नहीं आ रहा है बेटा, सिंपल है, नहीं आया, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे बी आई टी रायपुर दुर्ग कितना आएगा, गुड. इनफाइन लूप में चले गया, क्यों चले गया, ठीक. गुड, मैंने बताया ना आप लोग मेरे ज्यादा अच्छे कोडर हो यार, यार फाइल को सेव नहीं किया हम लोग, क्या क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा. हाँ आओ यहाँ पे, इफ क्या करे, वैल्यू ऑफ हाँ वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल इक्वल्स टू, अगर स्पेस आ गया, एक सेकंड ना, एक सेकंड, वैल्यू ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू अगर स्पेस आया तो मैं क्या करूँ यहाँ पे. अच्छा कंटिन्यू, पीटीआर प्लस प्लस पहले करना पड़ेगा ना. यस सर. समझ आया, गुड. आगे क्या करें हम लोग यहाँ पे, सब सब होशियार बच्चे मेरे यार, ठीक है. नीचे आप एक नीचे बच्चा ना, क्या बच्चा यहाँ पे, पीटीआर बस बस, ये छूट गया था. हाँ बेटा मैं सेव कर लेता हूँ, थैंक यू, ये सेव कर लिया. कम रन करो, लिखा सपोज बी आई टी दुर्ग रायपुर 4, 3, 4, 7 और 7, 6, 13 करेक्ट है क्लास. यस सर. अच्छा मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मुझे स्पेस को जैसे ही स्पेस आया मुझे डिस्कार्ड कर देना, तो क्या कर दो आप लोग, ब्रेक कर दो. सबको पता है ना क्लास, मैंने पढ़ाया आपको ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ाया ना. तो पहला प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है, बन जा रहे सबसे, गुड.
अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कोड देखते हैं। अच्छा आप लोग अब मुझे बताओ, आप लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं रिवर्स करने वाला, बन जाएगा रिवर्स? चलो अपन कोडिंग नहीं देखते, आप मुझे हेल्प करो कैसे बनेगा रिवर्स। एक सेकंड ना, मुझे आपका प्रॉब्लम ऐसा है, ये आपका स्टेटमेंट है, जैसे आप मुझे लिखा ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया, मैं ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग लिया, सिंपल स्ट्रिंग ले रहा हूँ ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज सबसे फेमस एग्जांपल, हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका स्लाइस नल हो जाएगा। सपोज मैं लिखा ये जो आपका नेम है एरे का, मैं सी एच ले लूँ चलेगा, ताकि वो छोटा है ना, ये सी एच ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका सी एच ऑफ जीरो, वन, कितना होगा आपका फोर हो जाएगा आपका थ्री आपका टू दिस वन है ना। ये मैंने एक एरे ले लिया बेटा ठीक है, आपको क्या करना है फाइंड आउट, मुझे यहाँ पे मुझे रिवर्स प्रिंट कराना है, अपना आना चाहिए टी आई एम ए रिवर्स आना चाहिए, तो पहले मुझे क्या चाहिए टी, तो कैसे निकालना पड़ेगा आपको, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे मुझे आपको एक लोकेशन थ्री चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे, आपको टी चाहिए ना पहले, तो मुझे मतलब किस यहाँ कहाँ से प्रिंट करना है, मुझे यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करना है, ये थ्री कैसे मिलेगा मुझे, लेंथ पड़ेगा लेंथ माइनस वन, आ रहा समझ, तो मैं सपोज ये काउंट लेता हूँ, ये काउंट ले लो वेरिएबल, काउंट के लिए कितना बेटा यहाँ पे फोर आएगा, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो पहला आपका मुझे यहाँ पे टी से स्टार्ट करना है प्रिंट कराना, तो मैं एक पॉइंटर लेता हूँ पी टी आर, और पी टी आर इक्वल क्या करूँ एड्रेस ऑफ सी एच ऑफ क्या होगा बेटा, ये मुझे टी का लोकेशन चाहिए ना, तो क्या है थर्ड लोकेशन है, तो क्या हो जाएगा आपका काउंट माइनस वन, आ रहा है समझ, और इसको मैं प्रिंट कराते जाऊंगा वैल्यू ऑफ पी टी आर को, कब तक प्रिंट कराऊंगा, आ रहा समझ, क्लियर है क्या सबको इधर, पूछे कि आपको क्लियर हो गया, आते क्लियर है, तो मुझे करना क्या बेटा लेंथ निकालना पड़ेगा, क्लियर है सबको, लेंथ पहले निकालना पड़ेगा, तो एक बार लेंथ निकाल देते हैं, तो अभी कुछ देर पहले लेंथ निकाला, इसी कोड को कंटिन्यू कर ले, ओके फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, तो अभी थमते हैं, रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, तो आपको ये क्लियर है कि मैंने एक मुझे आपको क्या चाहिए रहेगा बेटा, आपको एक नेम चाहिए रहेगा इंटर स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग ले लो, चलो पहले मैंने स्ट्रिंग, प्लीज एंटर इन स्ट्रिंग, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा स्ट्रिंग हो गया है ना। अब आपको लेंथ निकालना, मैंने पहले बताया था, तो लेंथ कैसे निकालोगे, यहाँ पे सेम क्या था ना, और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मुझे स्पेस भी चाहिए सिंपल ठीक है, आ रहे समझ के नहीं आ रहे यहाँ तक, लेंथ निकल गया, लेंथ आ गया ना, अब मैं क्या करूँ बेटा, मुझे लास्ट पी से स्टार्ट करना है, तो मुझे पी कैसे मिलेगा, अगेन मैं पी टी आर में क्या पुट कर दूँ एस टी आर का कौन सा वैल्यू बेटा काउंट माइनस वन, आप और क्या लिखना है यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ एस टी आर का काउंट माइनस वन, लास्ट मैंने एड्रेस डाल दिया, कहाँ पे डाल दिया पी टी आर के पास, तो टी का एड्रेस किसके पास है, ए एम आई टी का टी का एड्रेस किसके पास है, काउंट एड्रेस किसके पास होता है पी टी आर के पास, समझ आ रहा है ना। अब आपको ये पता है कि बेटा आपका लूप, अब जैसे आपका लेंथ आया फोर, तो आपका लूप तो ये फोर टाइम चलेगा ही नहीं चलेगा, चलेगा ना, तो एक काम करते हैं एक लूप चलाते हैं फॉर, और एक वेरिएबल ले लो आई, पहले वेरिएबल आई, और यहाँ स्टार्ट करते हैं आई इक्वल्स टू वन से लेके क्या हो गया, बातें क्यों कर रहे हो काउंट, ये कंफर्म हो गया लूप मेरे चार टाइम चलेगा, चलेगा ना। अब सिंपल क्या करते हो आप, प्रिंट एफ परसेंट, मुझे कैरेक्टर वाइज प्रिंट करना है तो क्या करोगे परसेंट सी कॉमा वैल्यू ऑफ पी टी आर, हमें अच्छा ये बताओ मैं पी टी आर प्लस प्लस करूँ माइनस माइनस करूँ, वेरी गुड माइनस करना मुझे सिंपल,
आ रहे नहीं आ रहे समझ? देखते एक बार करा के अमित TIM, आप इसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पे मैसेज डाल दो, यहाँ पे मैसेज डाल दो अच्छे से कि प्रिंट एफ स्लैश एन रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग इज, ठीक है आप यहीं से लिख लो BIT TIB, समझ आया क्या? प्लस एक बार समझा रहा हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है समझा दे कि समझ आ गया? ओके यहाँ पे ध्यान दो, हाउ मेनी वेरिएबल्स क्लास, टेल मी हाउ मेनी वेरिएबल्स, ओके गुड, हाउ मेनी वेरिएबल्स बताना मुझे, हाउ मेनी वेरिएबल्स, फोर वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल्स, 33 वेरिएबल्स, 30 वेरिएबल्स यहाँ पर है STR 0 से लेकर STR 29, 30 वेरिएबल्स, 31, 32 एंड 33, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये मैंने यूज कर लिया, आपको लेंथ निकालना आ गया, सब यहाँ लेंथ तक समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत है क्या? मैं लेंथ पहले से लिख लेता हूँ ना, अभी कुछ देर पहले समझाया था, काउंट आपका है सपोज, काउंट कितना आएगा अमित में, कितना काउंट आएगा, फोर, सपोज इसका लोकेशन 100 है, ये लोकेशन क्या आपका क्या हो जाएगा, 101 होगा, 102, 103 और 104, समझ आ रहा है सबको? और मैंने एक वेरिएबल ले लिया बेटा PTR, इसका खुद का लोकेशन सपोज 200 है काउंट का, और PTR का लोकेशन है सपोज 300, काउंट आपके पास 4 आ गई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ से, यहाँ से इस लाइन से ध्यान दो, PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ STR का काउंट माइनस 1, काउंट कितना बेटा आपका 4, काउंट माइनस 1 कितना होगा आपका 3, तो एड्रेस ऑफ आपका क्या जाएगा, ये आपका जो लिखा ना आपने 103, प्लस समझ आ रहा है क्या? मुझे ये लोकेशन चाहिए 103, तो मैंने क्या पुट किया बेटा, एड्रेस ऑफ ये आपका CH नहीं लिखा, क्या लिखा आपने, STR है ना, हाँ तो एड्रेस ऑफ STR का 3, तो एड्रेस ऑफ STR का 3 कितना बेटा आपका, एड्रेस कितना आपका, कहाँ पे आ जाएगा बेटा, PTR में, नाउ इट विल पॉइंट टू दिस लोकेशन, तो किसको पॉइंट करेगा ये, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, पॉइंटर है, क्लियर क्लियर है क्लास? उसके बाद देखो बेटा एक वेरिएबल मैंने आई ले लिया, अब आई का लोकेशन सपोज 400, आई को कितना हो गया आपका 1 लेस देन काउंट, 1 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर जो मैंने क्या प्रिंट किया वैल्यू ऑफ PTR, वैल्यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ PTR बेटा 103, कितना प्रिंट किया उसने T प्रिंट किया, फिर PTR माइनस माइनस PTR कितना हो गया आपका प्रीवियस लोकेशन कैरेक्टर का 102, नाउ दिस विल पॉइंट टू दिस लोकेशन 102, समझ आ रहा है क्या क्लास, क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या किया बेटा आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 2 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाओ वैल्यू ऑफ PTR 102 का PTR कितना आपका, वैल्यू कितना आपका आई, PTR माइनस माइनस आप क्या पॉइंट करेगा 101 को पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा ये, इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, यहाँ तक हट जाएगा, नाउ आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 3 लेस देन और इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाओ वैल्यू ऑफ PTR 101 का वैल्यू कितना आपका m, उसने m को प्रिंट किया, उसके बाद PTR माइनस माइनस, PTR कितना हो गया बेटा आपका, कितना होगा 100 हो गया, नाउ इट पॉइंट टू दिस लोकेशन, 100 लोकेशन को पॉइंट करेगा, आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज ट्रू, क्या विल प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ PTR, वैल्यू ऑफ PTR कितना 100 का लोकेशन वैल्यू कितना आपका ए, PTR माइनस माइनस, सपोज के पहले लोकेशन माइनस एक के लिए 99 के लिए, सपोज PTR की क्या आ गया वैल्यू आपका 99, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो आई प्लस प्लस, नो आई बिकम्स 5 लेस देन 4, कंडीशन इज फॉल्स, और आपको देखो आउटपुट आ गया TIM में, आ रहे समझ? लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती पता है, जब आप प्रोग्रामर बनोगे ना, अब यहाँ पे ध्यान दो PTR के पास कौन सा लोकेशन है, अननोन है ना लोकेशन, वो लोकेशन अगर सपोज आपको कोई सेंसिटिव फाइल का या फिर आपको जो आपको एक्सेस नहीं करना है, लेकिन PTR के पास एक ऐसा लोकेशन हो सकता है उस लोकेशन पे इंपॉर्टेंट डेटा हो आपका, तो एक तो क्या करें हम, नील नहीं नल, क्या करेंगे उसको आप लोग, तो यहाँ पे हम क्या करें नीचे, जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाए
इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट पीटीआर इक्वल्स टू नल, ताकि कहीं को पॉइंट ओ ना करे. अरे समझ क्या? यस सर. अब यहाँ पे ध्यान दो, रिवर्स मिल गया. सपोज बी आई टी रायपुर, सॉरी स्पेस ले लो, बी आई टी रायपुर. अरे बेटा समझ, क्लियर है? क्लियर क्लास? तो ये आपको आना चाहिए. मेरे ख्याल से बहुत इजी है पॉइंटर. नहीं है पॉइंटर इजी नहीं है आप लोग के लिए? ठीक है, अब एक काम. हाँ बोलो. अच्छा अब एक काम करो, एक प्रोग्राम आप लोग हेल्प करो मुझे. कॉन्कैटेनेशन बन जाएगा आपसे? दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेट कर रहे हैं. हाँ हाँ, आपको एक एक स्ट्रिंग का लास्ट लोकेशन चाहिए, दो पॉइंटर चाहिए उसमें. पहले स्ट्रिंग का लास्ट लोकेशन चाहिए और दूसरे स्ट्रिंग का फर्स्ट लोकेशन. इक्वेट करते जाओ. पीटीआर वन इक्वल इक्वल पीटीआर वन इक्वल पीटीआर टू. लोग आगे बढ़ाते जाओ, थोड़ा मैं समझा दूंगा बाद में. यहाँ तो कोई डाउट आप लोग को? दोनों प्रोग्राम बन जाएंगे आपसे? ओके. सो टाइम है कि हो गया कम्प्लीट? एक सेकेंड. ये प्रोग्राम मैंने करा दिया. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया आपका, रिवर्स भी हो गया, कॉन्कैटेनेट टू स्ट्रिंग्स. ठीक है, नोट्स नहीं देखना आप लोग. बिना नोट्स देखे आप लोग सॉल्व करके आओगे कल? ठीक है क्लास, मैं आपको जो बिना देखे आप लोग ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा. बिकॉज हो सकता है कुछ यहाँ पे ना हो जो मैंने लिखवाया या कोडिंग कर रहे हैं हम लोग, उससे अलग हो सकता है. किसी को डाउट लास्ट? ओके थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू. ऑनलाइन कोई डाउट है आप लोगों? नो सर. ऑनलाइन? नो सर. ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू.